आज हम बात करने वाले हैं एक प्रीमियम सीरीज विंडो ब्लाइंड्स के बारे में, हनीकॉम ब्लाइंड्स के बारे में। देखिए ये जो है वो हनीकॉम ब्लाइंड्स है, आप मैं इसको सैंपल भी दिखाता हूँ। देखिए ये हनीकॉम ब्लाइंड्स है। हनीकॉम ब्लाइंड्स होती क्या है? हनीकॉम ब्लाइंड्स जो है वो हनी के शेप्स में, हनी का जो कॉम्ब होता है उसके शेप्स में ये बनती है, इसीलिए इसका नाम हनीकॉम है। देखिए ये हनीकॉम ब्लाइंड है। हनीकॉम ब्लाइंड में है जो ये ऊपर जो पार्ट है ये पालमेट बोलते हैं इसको, ये पालमेट है। जो भी फैब्रिक आप लेंगे उसी फैब्रिक जो है वो यहीं पालमेट में लग जाएगा। और हनीकॉम ब्लाइंड जो है वो मुंह किस तरह से होती है, उसका ऑपरेट किस तरह से है, देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ सैंपल है, हनीकॉम ब्लाइंड है। ये चेन ऑपरेट सिस्टम है, आप जितना चेन ऑपरेट करोगे उतना हनीकॉम ब्लाइंड जो है वो चल जाएगी। आपको स्टॉप करना है वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगी। आपको अगर पूरा ऊपर ऑपरेट कर देना है तो ये पूरा भी ऊपर चली जाती है हनीकॉम ब्लाइंड्स। और ये पूरी जो ब्लाइंड है ये 3 इंच में पूरी पैक हो जाएगी। देखिए ये पूरी 3 इंच में हो गई, जहाँ पे आप उसको रोक सकते हैं, आपको रोकना चाहते हैं वहाँ पे इसको आप छोड़ दीजिए, ये रुक जाएगी। ये चेन ऑपरेट सिस्टम ही है, इजी मूव है। हनीकॉम ब्लाइंड्स है वो कहाँ पे, किस किस जगह पे ये यूज़ होती है? तो हनीकॉम ब्लाइंड्स जो है वो प्रीमियम ऑफिस में, आप ये प्रीमियम सीरीज़ में आती है तो आप ऑफिस वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ है वो मैक्सिमम आप 6x6 तक इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। ये इजीली मूव हो सकती है। अभी जो हमने देखा वो देखा हनीकॉम ब्लाइंड किस तरह से दिखती है, किस तरह से उसका ऑपरेट है। अब जो हम देख रहे हैं, देखिए ये जो है वो हनीकॉम ब्लाइंड में किस किस तरह के वेरिएंट इसमें आते हैं, किस किस तरह से कौन कौन से फैब्रिक इसमें आते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट है ये है उसका सीयर फैब्रिक। हनीकॉम ब्लाइंड में ये सीयर फैब्रिक जो आता है ये ट्रांसक्लूजेंट होता है। इसमें आप आर पार जो है वो धूप आती है दिख सकता है। आपको जो प्राइवेसी के हिसाब से ही चाहिए तो ही ये हनीकॉम ब्लाइंड्स जो है वो चलती है, ये वाली सीरीज। ये जो है वो ट्रांसक्लूजेंट फैब्रिक जो है, ये वाला है, ये वो ट्रांसक्लूजेंट फैब्रिक है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखिए ये हनी के कॉम में जो आप इनसाइड देख रहे हो ये ट्रांसक्लूजेंट सीरीज है। ये ट्रांसक्लूजेंट में क्या होता है, इसके पीछे कुछ लगा हुआ नहीं है, तो इसमें से आपको क्या है थोड़ी धूप आएगी। ये 50-50 बोल रहे हैं हम इसको, हनीकॉम को, ये जो सीरीज है उसमें ये सब उसके कलर्स है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखिए ये ब्लैकआउट सीरीज है। ब्लैकआउट सीरीज और ट्रांसक्लूजेंट में क्या होता है, कलर जो है वो मिलते हैं, मगर इसके अंदर जो है ब्लैकआउट सीरीज में फॉइल लगी होती है जिसको ब्लैकआउट बोलते हैं। ब्लैकआउट यानी क्या होता है, अगर आप कर्टन बंद कर रहे हो तो इसमें से 95% तक ये ब्लैकआउट हो जाता है। ये जो वाला है वो यही वाला है, फॉइल वाला ब्लैकआउट सीरीज। फिर ये ट्रांसक्लूजेंट सीरीज और सीयर सीरीज, इसमें 3 वेरियंट आते हैं। फिर इसमें थोड़े कलर होते हैं वो कंपनी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, किस तरह की कंपनी का आप ले रहे हो। फिर ये टेक्सचर वाले जो आते हैं ये भी ब्लैकआउट सीरीज में टेक्सचर वाला है। ये आपको फिनिश ऐसा दिखेगा कि लिनन जैसा है, फैब्रिक जैसा है, मगर ये सब कागज़ में बनता है। ये सब जो है वो कागज़ है, कागज़ में ये सब प्रोसेस किया हुआ है। देखिए ये सब, ये वुडन का टेक्सचर है ये वाला जो है वो, उसमें एक ये और कलर है। कलर और वो सब जो है वो आप किस तरह की कंपनी का ले रहे हो, कंपनी के हिसाब से सब अलग अलग होता है। इसका जो पूरा फैब्रिक है वो पेपर में बनता है, पेपर में थोड़ा वो लोग टेक्सचर वगैरह करते हैं। इसका जो प्राइस है वो 250 से लेके अराउंडेड 700 तक का इसका प्राइस है। ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है। इसमें पूरा सब मिला के आता है, इसका बॉक्स वगैरह है वो सब, फैब्रिक वगैरह सब वो स्क्वायर फुट में होता है। वो मिनिमम 1 square meter के प्राइस में होता है, यानी 10.7 स्क्वायर फीट है जो वो मिनिमम काउंट किया जाएगा। इसमें आपको कुछ अलग देना नहीं है, सब इंक्लूडेड होता है।